महाराष्ट्र। मुंबई में मीरा रोड इलाका अनिता शर्मा का अपार्टमेंट था। उनकी फैमिली अब लंदन में शिफ्ट हो गई थी। वहां केवल नौकरों सिक्योरिटी गार्डों के देखरेख में यह विशाल अपार्टमेंट था। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड भूदेव अपना सामान वगैरह समेट रहा था। अब उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। वह दिन के 8 बजे से ड्यूटी करता था। दूसरा गार्ड कर्मा आ गया था। वह बोला, कुछ हमका भी बताया करो भूदेव काका यहाँ के बारे में। इतना बड़ा बंगलों में क्या चीज किधर है कुछ पता ही नहीं चलता। अभी आज से ही काम पे न लगे हो बच्चों, सब जान जाओगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी गार्ड भूदेव बड़ा रहस्यमय व्यक्तित्व था। उसके चेहरे को सफेद लंबे बालों ने ढक रखा था। उसकी सुर्ख लाल आंखों में एक अजीब कशिश थी। बालों के भीतर छिपी उसकी मुस्कान किसी को भी हैरान कर देती थी। भूदेव ने अपनी मोटरसाइकिल संभाली। अच्छा भीम, अब चलता हूँ, पहरेदारी अच्छी तरीके से करना। रात को साले मजनू छेलाओं के संग आते हैं, प्रलोभन देते हैं। दूसरे फ्लोर वाला एक कमरा दे दो, तीसरे फ्लोर वाला एक कमरा दे दो, जरा सचेत रहना। ठीक है, चलो काका, यही सब तो समझना है हमें, कर्मा बोला। भूदेव काका चले गए थे। रात धीरे धीरे शबाब पर चढ़ने लगी। ट्रैफिक उस गली की थमने लगी थी। कर्मा एक भोजपुरी गीत गाता हुआ अपना टिफिन बॉक्स खोलने लगा। चलो खा लेते हैं अब। तभी अचानक अपार्टमेंट के बाहरी गेट के बाहर एक काली अम्बेसडर चमचमाती हुई कार रुकी। अपार्टमेंट का कंपाउंड उसके हेडलाइट के प्रकाश में नहा उठा और हेडलाइट के प्रकाश में अपनी आंखें मसलते हुए गेट के भीतर खड़ा हो गया और आंखने लगा। आधी रात गए कौन हो सकता है। तभी कार से एक लंबा भरपूर डिलडॉल का नौजवान बाहर आ गया। उसके साथ एक खूबसूरत युवती भी बाहर निकली। उसके पहनावे हाव भाव को देखकर कर्मा ने सोचा कि कहीं मालिक तो नहीं आ गए, पर उधर से कोई उत्तर ना पाकर वह भीतर ही भीतर घबरा गया। दोनों दरवाजे पर खड़े कर्मा के पास पहुंचे और गेट पे लगे ताले की तरफ देखा। अचानक चट्टाह की आवाज के साथ ताला अपने आप खोलकर जमीन पर गिर गया। कर्मा को तो काटो तो खून नहीं, वह बस टकटकिए लगाए गिरे हुए ताले को देख रहा था। और तभी गेट की सिटकनी भी हरकत में आ गई और उसके बाहर आते ही कर्मा दो फाल पीछे को हट गया और बाहरी गेट धड़ाम से खुल गया। युवती के कमर में हाथ डाले वह लंबा डिलडॉल वाला आदमी अंदर दाखिल हो गया। दोनों एक बार कर्मा की तरफ देखते हैं जो कांप रहा था, और वो अपार्टमेंट के लिफ्ट कैबिन की तरफ बढ़ गए। बाहर खड़ी अम्बेसडर कार बैक होती हुई घूम गई और तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ती हुई आंखों से ओझल हो गई। इस एकाएक घटित होने वाले पल ने कर्मा को हिला कर रख दिया। तभी बाहरी गेट अपने आप बंद हो गया, सिटकिनी चढ़ गई और ताला बंद हो गया। वो लंबा डिलडॉल वाला व्यक्ति और वो युवती अब लिफ्ट से ऊपरी फ्लोर पर जाने लगे थे। लिफ्ट 8वें फ्लोर पर पहुंची, जो इस अपार्टमेंट का आखिरी फ्लोर था। वे दोनों 8वें फ्लोर पे उतर गए थे और कर्मा अपनी टॉर्च लिए लिफ्ट केबिन में दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही हजारों चमगादड़ हरकत में आ गए। चारों तरफ केबिन को मकड़ी के जाले जकड़े हुए थे। तभी टॉर्च की रोशनी मकड़ जाल में कैद लिफ्ट के ऊपर पड़ी। कर्मा अवाक सा देखने लगा। लिफ्ट लाइन प्लेट से खून टपक रहा था। वो अब लिफ्ट के सेंटर वाली जगह में खड़ा हो गया और धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी ऊपर करने लगा। वही खून ऊपर भी टपक रहा था और अब उसने टॉर्च की रोशनी को ऊपरी फ्लोर तक किया। मगर ये क्या, वही दोनों युवक युवती जिनकी आंखें फटी हुई थी, जिन्हा 2 इंच बाहर को निकली हुई थी और आंख मुंह से खून की बरबस धारा बाहर को फूट रही थी, लिफ्ट में फंसे चमगादड़ की तरह नीचे को लटके झूल रहे थे। इस दृश्य ने कर्मा को अंदर तक कपा दिया। तभी उन युवक युवती को लिए लिफ्ट नीचे की तरफ तेज रफ्तार से चला, जैसे उसकी डोर टूट गई हो।
लगा कि लिफ्ट कर्मा को अपनी चपेट में ले लेगा, मगर फुर्ती से कर्मा केबिन से बाहर आ गया और जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ लगा। पूरी लिफ्ट गठर की तरह नीचे आ गई। बाकी रात कर्मा ने दिल में दहशत लिए काटी। उसे इंतजार था भूदेव काका की कि वो कब आए और वो उनसे इस वाक्या के बारे में बताए और जाने कैसा राज छिपा है इस लिफ्ट में। और भूदेव अपनी मोटरसाइकिल से आ गया था। कर्मा ने बाहरी गेट खोला। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, जैसे किसी ने उसे शेर की गुफा में धकेल दिया हो। क्यों बच्चू, आज ये हंसता चेहरा इतना भूमिल क्यों है, कुछ बताओ तो। काका, इस अपार्टमेंट के लिफ्ट का राज तुम्हें बताना ही होगा हमें। क्या है जो आधी रात को हरकत में आ जाती है? तभी वहां अपार्टमेंट के बाहरी गेट पर फटी चादर ओढ़े एक अजीब सी डरावनी सूरत वाली बुढ़िया, जिसके हाथ गर्दन में कंपन थी, सिकुड़ी झुरीदार चेहरा, सफेद लटकाए बाल थे, वो आदम की ओर बोली, अरे बेटा, ये सुअर क्या बताएगा तुझे लिफ्ट का राज? मैं बताऊंगी, हाँ मैं बताऊंगी। कमर से झुकी हुई अपनी गर्दन हिलाती हुई बुढ़िया बोली, अरे बच्चों, इसकी बात को क्यों लेते हो, पागल है बेचारी है। ये क्या जाने इस अपार्टमेंट का राज। ए बुढ़िया, चल फुट यहाँ से। चल फुट यहाँ से सुअर कहीं का, जो खुद राज बने हो वो क्या राज बताएंगे। बड़बड़ाती बुढ़िया अपनी चादर संभालती हुई चली गई। हाँ तो बच्चू कर्मा, का हुआ रहा लिप्टवा में? मगर कर्मा तो बुढ़िया के कहे गए उन चंद शब्द के भावर जाल में घूमने लगा था। उसका अंतर्मन कहने लगा था कि वो उस बुढ़िया से मिले। क्यों बच्चू, किस उधेड़ बुन में फंसे हुए हो? काका कुछ नहीं, बस रात में लिप्टवा बड़ी जोर से खड़खड़ाई, जैसे पूरी बिल्डिंगे लेकर बैठ जाएगी। अब मैं चलता हूँ, शायद मेरा वहम होगा। अरे बच्चू, मालिक लोग जब से लंदन गए हैं तब से लिप्टवा बंद पड़ी है। अब आए ना रास्ते पर, कहीं कुछ नहीं है भाया, सब मन का वहम है। भूदेव उन सफेद बालों के भीतर रहस्यमय मुस्कान लिए बोला। कर्मा अपना सामान टिफिन वगैरह लिए गेट से बाहर आ गया। सड़क पर आगे बढ़ा तो देखा सड़क किनारे एक बरगद के पेड़ के छाए में वही बुढ़िया अपनी फटी मैली चादर ओढ़े लेटी हुई है। वह उसके करीब पहुंचा और बोला, दादी दादी। बुढ़िया उठ बैठी और उसे देखकर बोली, तो तू आ गया बेटा राज जानने, तो सुन, आज अमावस है, मेरी मान तो आज रात्रि को तू ना जा पहरेदारी करने। वे बेचारे दो नए जोड़े जो आए थे ना अपनी काली कार से, उस समय ये भूदेव सेठ के यहाँ नया चौकीदार आया था। तू तो जानता ही है सेठ लोग विदेश रहते हैं। उन दिनों वहां मैं नौकरानी थी, उसने मेरे कहने पर उन्हें कमरा दिया 8वें फ्लोर का, और उनका सामान उठाए लिफ्ट द्वारा उनके फ्लोर तक गया। उनके पास भारी रकम थी और इस सुअर ने उनके खाने में जहर मिलाया, और जब बेचारे छटपटाने लगे तो उन्हें इस लिफ्ट वाके रास्ते से नीचे फेंक दिया। पूरी लिफ्ट दोनों के लहू से रंग गई। मेरे पूछने पर बताया दोनों नशे में थे, नीचे आने की कोशिश में लिफ्ट से फिसल कर गिर पड़े। आज इसके पास खुद का बंगला है, ये 8,000 पगार पाने वाला लाखों का बंगला कैसे बना लिया? मैं कहती हूँ तू ना जा आज रात की पहरेदारी पे, आज की रात वो आत्माएं प्रबल होंगी अपने कातिल से बदला लेने के लिए।
क्योंकि आज तक वो दूसरों के रात की पहरेदारी पे लगाता रहा। दादी, आपका यह हाल कैसे हुआ? बेटा, मैं तकदीर की मारी हूँ। मेरी एक ही औलाद थी, मेरी बेटी पूजा, जो कैंसर रोग से पीड़ित थी, परलोक से धार गई। उसके जाने के बाद मेरे जीवन का मकसद ही नहीं रहा। किस्मत के आगे किसका जोर, बस जी रही हूँ पागलों की तरह। कर्मा घर ना जाकर पहुंच गया अपार्टमेंट के भूदेव के पास और बोला, काका, मेरी घरवाली की तबीयत ज्यादा खराब है, आज रात की पहरेदारी तू कर लियो। जाओ बच्चू जाओ, अरे हम तोहरे जैसा डरपोक थोड़ी हूँ, कर लूंगा। कर्मा वहां से चला गया। अमावसी रात धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। भूदेव आज पहरेदारी पे था। एकाएक लिफ्ट कैबिन में कुछ हलचल सुनाई दी। कौन है रे ससुरा? डर के मारे कांपता भूदेव चीख पड़ा। वह आगे बढ़ा। जो ही लिफ्ट कैबिन में टॉर्च जलाया, देखा एक काली बिल्ली उसे घूर रही है। वो डरा। तभी मियाओ की आवाज करती वो बिल्ली उसके ऊपर छलांग लगा। भूदेव डर के मारे औंधे मुंह गिर पड़ा। तभी गेट से बाहर सन्नाटे में एक युवक और युवती उसे खड़े दिखाई दिए। दोनों के पीठ में बैग था। भूदेव उन्हें ललचाई नजरों से देखने लगा। हे भगवान, चलो आज भी तूने अच्छा शिकार भेजा है। उसने बाहरी गेट खोल दिया। दोनों युवक और युवती बाहर आ गए। लिफ्ट की हरकत बढ़ गई, जैसे उसमें अपने आप किसी ने जान फूंक दी हो। तभी युवक और युवती ने भूदेव को 500-500 रुपए के नोट थमा दिए और वो उनके सामान लेकर उनके पीछे चल दिया। वो देख रहा था उन दोनों की चाल ढाल, उस शुरू वाले युवक युवती की तरह लग रही थी। वह पीछे था, उसे कुछ अहब सा लगा। उसने सोचा मामला गड़बड़ है। उसने भागना चाहा, मगर ये क्या, उसके पीछे जीभ लटपटाते दो भेड़िए खड़े थे। वह थर थर कांपने लगा। भेड़िए उसकी तरफ बढ़े। वह युवक युवती की तरफ भागा, जो अब लिफ्ट पे सवार हो चुके थे। पीछा करती मौत आदमी के आंखों पर आवरण डाल देती है, और ऐसा ही हुआ भूदेव के साथ। वह डर के मारे उसी लिफ्ट पर सवार हो गया। भेड़ियों की आवाजें तेज हो उठी और लिफ्ट कई बार आठवीं फ्लोर पर गई, नीचे आई और एक भीषण आवाज के साथ धड़ाम से नीचे गिरी। और भूदेव की हालत से एक जोरदार चीख निकली और लिफ्ट केबिन में गुम हो गई। भूदेव की बॉडी छत विछत हो गई थी। उसकी आंखें फट चुकी थी, जिन्हा बाहर आ गई थी। ऊपर लाल शोले की तरह दो आंखें उसे घूर रही थी। सुबह बहुत भीड़ लगी थी वहां। कर्मा भूदेव का हश्र देखकर सिहर उठा था। वहां खड़े सभी लोग वर्षों से बंद पड़ी उस लिफ्ट पर आश्चर्यचकित थे। बुढ़िया मुस्कुरा रही थी, आज उन आत्माओं को शायद शांति मिली थी।